यह है हेवी साड़ी। अब हेवी साड़ी का जो ब्लाउज है वो अगर टाइट हो जाए, जैसे ये इसका ब्लाउज है और ये ब्लाउज जो है वो टाइट हो गया है, अब आ नहीं रहा है। हेवी साड़ी होती है, ब्लाउज टाइट हो गया, मतलब साड़ी भी आप नहीं पहन सकते, तो अब इसको हम लूज कैसे करें कि ये वापिस से बिल्कुल बराबर फिटिंग आए और इसको हम सही कर पाए। चाहे आपका किसी प्रकार का ब्लाउज क्यों न बना हुआ हो, आप उसको सही कर सकते हो। कैसे सही करना है वो मैं आपको पूरा बताऊंगी डिटेल्स में। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और आपका भी ब्लाउज अगर इस तरह से टाइट हो जाए, इसकी सारी सिलाइयां खोलने के बाद भी अभी ये ब्लाउज टाइट चल रहा है, तो इसको हमें लूज करना है और कुछ इस तरह से लूज करना है कि ब्लाउज भी बिल्कुल खराब नहीं लगे और ये लंबाई में भी थोड़ा कम है, क्योंकि जब हम शादी के बाद में, डिलीवरी के बाद में जब हम थोड़े मोटे हो जाते हैं तो हमारे काफी ब्लाउज होते हैं जो आते नहीं है। ये एक नहीं, सभी जो हमारी न्यू जनरेशन है सभी की समस्याएं होती हैं, और हेवी हेवी साड़ियों के ब्लाउज जो है वो खराब हो जाते हैं, उन्हें पहन नहीं पाते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है, इसमें आपको एक डिजाइन के द्वारा ब्लाउजों को सही करने का तरीका बताऊंगी, जिससे आप अपने ब्लाउज को काटने छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना काट छांट के भी ब्लाउज को लूज कर पाएंगे, उसे पहन पाएंगे और बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से हम इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, देखिए साइड की जो सिलाई है ना, नीचे से लेकर के और बाजू तक क्या हमें खोल लेने, क्योंकि ये यहाँ बाजू में भी टाइट है और नीचे कमर में भी टाइट है और चेस्ट में भी टाइट है, तो सभी जगह हमें तैयार चाहिए ये 44 साइज का, और इसका साइज अभी है 40, यानी 4 इंच ब्लाउज का साइज है 40 और हमें चाहिए 42, तो 2 इंच हमें इसको लूज करना है। तो 1 इंच की हम इस तरफ में इसके डिजाइन डालेंगे और 1 इंच की हम इस तरफ में डिजाइन डालेंगे, इसकी जो साइड है वो खोल करके। बहुत ही सुंदर सिंपल तरीके से हम अपने ब्लाउज को पहनने के लायक बना सकते हैं। आगे से ये जो ऑफ है हम इसको कट करके और यहाँ पे भी कुछ अलग क्रिएट करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, कैसे करना है इसको, कैसे चेंज करना है ताकि ये आर्मोल में भी जो टाइट है वो टाइट ना रहे। ये देखिए, ये जो आर्मोल है ये सही है, पर यहाँ से ये बगल के अंदर यहाँ पे फंस रहा है, ये टाइट है एक्चुअल में, तो इसमें अभी से ही कराफी डली हुई है, पर फिर भी हम इसको थोड़ा लूज करने की कोशिश करेंगे ताकि ये ब्लाउज पहना जा सके। इसमें साइड हुक लगे हुए थे, तो सबसे पहले हम ये गलाई को कट करेंगे, ये हुक है जो यहाँ से हटाएंगे और उसके बाद ब्लाउज को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका ये काम कर लेती हूँ, इसके जो हुक आई है वो हटा लेते हैं, हुक भी हटा लेते हैं और बीच से इसको हम खोल लेते हैं, क्योंकि ये आगे पीछे से ऑफ है, साइड में हुक लगे हुए हैं, तो अब हमें इसको खोलना भी बहुत जरूरी है। और बीच से खोलने के बाद ये ब्लाउज बहुत ही आसान हो जाएगा और आपकी जो हेवी हेवी साड़ियां हैं जिसे आप पार्टी वेयर पहनते हैं वो आप पहन सकेंगे। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। फर्स्ट में हम इसके ये हुक खोल करके इनको अलग कर लेंगे, जो हुक का धागा है उसको कट करना है, हुक लगा हुआ है उसके धागे को आप हल्के हल्के ब्लेड से खोल सकते हो, जो कैंची की हल्की सी जो धार होती है ना उससे आप इसको इस तरह से खोल सकते हो। देखिए इस तरह से सिर्फ धागा ही कटना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें, हमारे ब्लाउज नहीं कटना चाहिए बिल्कुल भी, ब्लाउज का जो कपड़ा है ना वो नहीं कटना चाहिए। तो इस तरह से आपको हुक को खोल देना है, सारे हुक को हम इसी तरह से खोल देते हैं, हटा देते हैं, ये हुक खोल दिया हमने, इसी तरह से ये हुक खोल लेते हैं। अब आप देखेंगे मैंने एक साइड की जो है ना सारी साइड्स खोल ली है, नीचे से लेकर के बाजू तक के ये साइड से जो हुक थे वो मैंने हटा दिए हैं और आई को मैंने कट कर दिया है यहां से। अब इसको जितना आपको जैसे आधा इंच या 1 इंच, जैसे 40 इंच मैंने इसको पूरा ब्लाउज को रखा है, 2 इंच की इसकी लूजिंग हमको चाहिएगी और 1 इंच इस तरफ, जो बीच में हम इसको ओपन करेंगे तो सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच इस तरफ आधा इंच इस तरफ, तो 1 इंच वो वाली हो गई, तो 3 इंच हम इसको लूज करना है। तो पहले इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ये सारी फोल्डिंग करने के बाद ये 40 इंच का रहता है, फोल्डिंग ऐसे करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एक सिलाई से इसको ऐसे सेट कर देती हूँ। देखिए इस तरह थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके और एक सिलाई से हम इसको पहले सेट कर लेते हैं इस तरह से,
या फिर मैं हाथों से इसकी कच्चा जो सिलाई है ना वो लगा देती हूँ, हाथों से इसको मैं पिक कर रही हूँ ताकि ऊपर में कोई सिलाई नहीं रहे। इसी तरह से ये जो साइड आप देख रहे हो, इस साइड को हमें इस तरह से मोड़ लेना है, पूरा नीचे तक, बाजू से लेकर के नीचे तक का मोड़ना है। इस तरह आपको ऐसे मोड़ करके एक एक सिलाई हाथों से लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह से मोड़ते हुए नीचे तक हमें इसको ऐसे फोल्ड करके सही कर लेना है। पहले तो मैं ये कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस सिंपल तरीका है, एकदम से आसान, जिससे कि हम अपने घर पे जो है ना ब्लाउज को तैयार कर सकते हैं। किसी भी साड़ी का हेवी ब्लाउज हो और वो टाइट हो गया हो तो आप उसको ऐसे सही कर लें। एकदम सिंपल सिलाई है, छोटी हल्की हल्की टेप बाहर की ओर लेते हुए और हम इसकी एक टेप लगा देंगे। धागा सेम यूज करें और फिर इसके बाद इस ऐसे टेप लगा दें। इस तरह से देख सकते हो मैंने इसको है ना इस तरफ से भी फोल्ड कर दिया है, इस तरफ से भी इस पट्टी को मैंने नीचे तक ऐसे इसको फोल्ड कर दिया है। हाथों से मैंने इसकी सिलाई की है, पूरी पट्टी को इस तरह से हाथों से ऊपर से लेकर के नीचे तक इसको ऐसे सील दिया है। ये जैसे हुक यहाँ पे लगे हुए थे उनको हटा करके मैंने इसको ऐसे इस तरह से ये देखिए बिल्कुल से अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें इसमें यहाँ पे 1.5 इंच की लूजिंग की पट्टी ज्वाइंट करनी है। वो कैसे जोड़ करेंगे तो ये देखिए सेम ही फैब्रिक का मैंने रुबिया का कपड़ा लिया है और इसकी हम 3 इंच की पट्टी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे ये 3 इंच इस तरह से 3 इंच होता है तो ये आप देख सकते हो ये 3 इंच की पट्टी मैं यहां से इस फैब्रिक से निकाल लूंगी। ठीक है ना, डेढ़ इंच सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच जो है ब्लाउज जो है बढ़ जाएगा। एक साइड से 1.5 इंच बढ़ेगा, दोनों साइड से 3 इंच बढ़ जाएगा। तो ये मैंने पट्टी कटिंग कर लिया और इसी पट्टी से मैं डोरियां भी बनाऊंगी। तो इसके भी डोरियों के लिए भी मैं 1-1 इंच की जो है ना वो पट्टियां कटिंग कर लेती हूँ। देखिये इस तरह से 1-1 इंच की पट्टियां कटिंग करके और इसकी हमें डोरी बना लेनी है। तो ये मैंने 4 लेयर्स कटिंग की है डोरियों के लिए और ये 1 लेयर्स है। अब ये लेयर्स मैंने कितने लिए ये भी थोड़ा सा आप देख लें, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। अरे ब्लाउज की साइड से सर इसे थोड़ी सी मैंने छोटी लिए, देखिए यहां से इसको और यहां तक ज्वाइंट करेंगे। थोड़ा सा पार्ट ये बड़ा रहना चाहिए, थोड़ा सा आगे बाजू का बड़ा रहना चाहिए, बस इतने मुझे ये 1 लेयर कटिंग करनी है। तो ये 2 है, इसको हम 1-1 कर लेते हैं दोनों साइड में लगाने के लिए। तो ये मैंने 2 पट्टियां कटिंग कर लिया दोनों साइड में लगाने के लिए। अब ये 1 पट्टी लेंगे हम और नीचे से इस तरफ में ये इसकी किनारी है और इस तरफ में हम इसको या फिर आप दोनों साइड से इतना इतना इसको फोल्ड कर ले नीचे से। मैंने पट्टी भी तैयार कर लिया है दोनों साइडों से फोल्ड करके और ये मैंने डोरियां भी तैयार कर ली है। अब इस पट्टी की हम ऐसे गर्ड्स डालेंगे। इस तरह से घट डाल देंगे, ये जो मार्क हुए हैं देखिए, ये जो मार्क हुए हैं इन पे हम ये डोरियां लगाएंगे। तो हम इसकी देखिए इस तरह से डोरी कटिंग कर लेंगे, आधे तक आई तब उतनी। तो ये डोरी देख लेते हैं, इतनी हम डोरियां सब कटिंग कर लेते हैं। एक ही साइज की सब डोरियां कटिंग कर लेते हैं। तो अभी इस तरह से हम डोरियों को यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है देखिए इतनी सारी और इस तरह से हम इनको सेट कर लेते हैं।
फिर ये इस तरह से दूसरे पे, इस तरह से जो हमने ये स्लाइस लगाई है सभी पे ये डोरियां ऐसे हम सेट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने ये डोरियां यहाँ पे अटैच कर ली है। अब हम इसका इस तरह से साइज जांच लेंगे, इसको हमें यहां तक ऐसे लगाना है, उसके बाद यहां तक इसको ऐसे लगाना है। यहां से हम इसके अंदर डोरी इंसर्ट करेंगे नीचे के लिए, इस तरह से इस डोरी को फिर हम इसमें निकालेंगे। इसको हम इसमें से निकालेंगे, ये मैंने इस तरफ वाली डोरी डाल दी है। अब नीचे वाली डोरी लेते हैं, एक डोरी को हम इसके अंदर डालेंगे। दोनों को बराबर कर लिया है, सेम वैसे ही प्रोसेस से हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये मैंने इस तरफ भी ये डोरी लगा दी है। अब नीचे इसके हम इस तरह से एक पीस लेंगे, इसको हम इस तरह से करेंगे। और इस तरह से हम इसको सील करके इस तरह से इसकी लटकन लगा देंगे दोनों डोरियों की साइड में। मैंने लूम्स भी लगा दिए हैं इस तरफ भी और इस तरफ की। अब हम इसको सेट कर लेते हैं। देखिए ये इस तरफ है, यहाँ पे इसका सेंटर है, ये बाजू की साइड है और ये हमारी चेस्ट की साइड है। तो इसको हमें आपको ऐसे लगाना है, देखिए यहाँ पे आपको इसको ऐसे जितना बड़ा आपको चाहिए, 1 इंची 2 इंची, ये आपकी डिजाइंस भी हो जाएगी और आपका जो ब्लाउज है ना वो बड़ा भी हो जाएगा। इस तरह से हम इसको एक सिलाई लगा देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने 1 साइड इसकी जो है ना सिलाई कर दी है। अब हम दूसरी साइड लेते हैं, इस सेंटर को इस सेंटर के ऊपर रखेंगे और ये एक सिलाई हम लगा देंगे। ये जो यहाँ पे है ना, यहां से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे और इसको हम यहाँ पे ऐसे सील देंगे, डोरियों को ऐसे नीचे करके एक सिलाई लगा देते हैं नीचे यहाँ पे और एक सिलाई लगा देते हैं इस तरफ में। तो अब आप देख सकते हो हमारी 1 साइड की लूजिंग डिजाइन्स के साथ में रेडी हो चुकी है। इस तरह से ये लूज भी हो चुकी है और पता भी नहीं चलता है, सिंपल डिजाइन। आप इसको ऐसे ही लगा सकते हो और भी इस पट्टी के ऊपर डिजाइन्स लग बना करके आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हो। 1 साइड में इस तरह दबाते हैं, दूसरी साइड में इस तरह। ये 1.5 इंच का जो है ना ये यहाँ पे आपको बढ़ जाएगा ब्लाउज, और डिजाइन्स के आपको डिजाइन्स मिल जाएगी सेम कपड़े का यूज करना। और अब आप देख सकते हो ये इतना बढ़ेगा, मतलब 1 साइड में 1.5 इंच, दोनों साइड में हो गया 3 इंच का। तो इस तरह से मैंने इसको दबा के और पूरा इसको सील दिया बाजू से लेकर के और नीचे तक, मुझे इसको ऐसे सीलना है। ये देखिए बीच में सेट करने के बाद एक डोरी को नीचे बाजू की तरफ
और एक डोरी को नीचे अपनी कमर की तरफ इस तरह से हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था सेम वैसे ही। तो बस इस तरह से आपकी डिजाइन्स भी हो जाएगी, ब्लाउज भी बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा और लूज भी हो जाएगा। कितना भी टाइट हो ना, ये फासला आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 इंच रखा है, 4 इंच पे रख सकते हो। डिजाइन्स भी आप इसको चेंज कर सकते हो, कुछ और डिजाइन्स भी यहाँ पे इस पट्टी के ऊपर आप ऐड कर सकते हो। तो इस हिसाब से ये जो बगल के अंदर होता है ना, यहाँ पे मुड्ढी भी लूज हो जाते हैं, सब कुछ बहुत ही प्रोफेशनल टाइप में हो जाता है ब्लाउज। और भारी भारी जो हेवी हेवी साड़ियों के होते हैं उनको आपको रखने की जरूरत नहीं, उन्हें आप यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है जिप लगाना, वो कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। दोनों साइड में डिजाइन लगा कर इसको लूज कर लिया है, बीच में से इसको मैं कट करूंगी और ये वाला जो ओपन जिप है ये मैं इस पे इस बीच के अंदर स्टिच कर देती हूँ। ब्लाउज जो है बिल्कुल से रेडी है। अब ये 44 साइज का हो चुका है, 42 44। ऐसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए इस तरह से आप अपने चैन को आसानी से बंद कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से लगा हुआ है।